अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों, मज़े में हों, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। आज का ब्लॉग शुरू किया मैंने नाश्ते से, सुबह से किया है, और कुछ आज इसके ब्लॉग में इंटरेस्टिंग भी है, तो आई होप कि आपको पसंद आएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छा और इंटरटेनिंग ब्लॉग लेके आऊँ, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट तो हमें ज़रूर करना है। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने नाश्ता अपने लिए रेडी किया था, और नाश्ते में आज ऑमलेट बनाया मैंने, और बस अंडे के साथ ही थोड़ी सी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो क्योंकि मॉर्निंग में इतना हैवी नाश्ता नहीं करने को दिल करता, तो अंडे के साथ बेटर रहता है। तो उसके साथ ब्रेड थी और चाय मैंने बनाई है। तो ये लास्ट नाइट हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, क्योंकि बच्चे जो है ना स्कूल से जब आते हैं और तैरा यूनिवर्सिटी से आती हैं, उसके बाद ही अगर उनके पास फ्री टाइम हो और तो उसके बाद ही हम लोग कुछ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, इसलिए थोड़े से काम स्लो किए हुए हैं। आजकल बच्चों की स्टडी भी है, अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है, आशा का भी थोड़ा टाइम हुआ स्कूल स्टार्ट हुए हुए, और वो फिर अच्छे से फोकस कर रही हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, और तैरा का भी यूनिवर्सिटी के बाद से आने के बाद अपने भी काफ़ी उनके अपने असाइनमेंट्स होती हैं, तो उसको ही डन करते हुए अगर टाइम उनके पास निकल आए तो फिर ही हम लोग कहीं आउटिंग के लिए जाते हैं। खैर अदरवाइज ना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले आप लोग बेटा अपनी स्टडी पे फोकस करो, ये चीज़ें तो साथ साथ घर जब आप लेते हो तो फिर साथ साथ चीज़ें होती रहती है, अपग्रेड आप करते रहते हो। खैर यहाँ पर लास्ट नाइट थोड़ा सा टाइम मिल गया था हम लोगों को, तो अभी भी थे हम लोगों ने मिलके थोड़ी शॉपिंग किया। यहाँ पे आयशा के रूम का जो है ना हमें कारपेट चाहिए था, मैंने आपको बताया था, वो हमें कॉस्को से मिला है, माशाल्लाह बहुत ही प्यार, जैसा वो चाहती थी वैसा ही मिला है। मैंने अभी जैसा कि जो हमने बिछा दिया है, और ये उनकी जो है ना कंप्यूटर टेबल, ये हम लोगों ने वाई की थी लेकिन सैम्पल करने वाली पड़ी हुई थी, ली हमने काफ़ी दिन पहले थी, लेकिन अभी इसको असेंबल करने में टाइम लग गया है, और बस इसीलिए फिर थोड़ा टाइम लगा इसको भी, यहाँ पूरा इसका रूम सेट करते हुए, पढ़ाई करनी होती है, स्टडी करनी होती है उन्होंने अपनी, तो मैंने चाहा कि एक उनके ही रूम में कॉर्नर उनका होना चाहिए जहाँ पे वो बैठ कर आराम से रिलैक्स होके पढ़ाई कर सके। तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह कमरे भी बड़े हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा बच्चों के रूम में जो है ना एक स्टडी रूम उनका कॉर्नर होना चाहिए। तो पहले वाला जो हमारा घर था वहाँ पे एक ही हमने रूम रखा हुआ था, जहाँ पर अगर किसी बच्चे को कोई असाइनमेंट्स करनी होती थी स्पेशल तो वो आराम से बैठ के कर लेते थे। बाकी ये है कि हर एक के पास अपना अपना कमरा तो है, तो बस यहाँ पे आशा का जो रूम है ना माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने पूरा ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, और उसका डेकोर कंप्लीट हो गई है, बस एक दो चीज़ें रह गई हैं उसकी, जो उन्होंने वॉल पे लाइट्स लगानी है, वो इंशाल्लाह किसी दिन टाइम मिलेगा तो फिर लगाई, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है। आयशा ने वो अपने पुराने वाले कमरे में भी लगाई होती थी, तो वो आपको शायद याद हो, जो फुल वॉल की लाइट्स थी उसको टाइम लगता है हैंग करते हुए, इंशाल्लाह वो भी किसी दिन टाइम मिलेगा तो लगा देंगे। तो चलिए आपको तो आयशा का, और दरअसल ये हाली आयशा का रूम नहीं है, ईमान और आयशा का रूम है, ईमान साथ होती हैं आयशा के, और यहाँ पर जो है ना आयशा का जो चेयर है कंप्यूटर चेयर, वो भी हम लोगों ने वॉलमार्ट से बाय की थी, और आयशा के कर्टन जो हैं ये हम लोगों ने लिए थे, ये भी दो कर्टन उन्होंने जैसे लिए हैं और दो कर्टन एक जैसे लिए हैं, उनका दिल चाह था कि वो इस तरह डिफरेंट करके डालें, तो ये एक जो कर्टन है ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये हमने जाइंट टाइगर से लिया है, और दूसरा हमने वॉलमार्ट से लिया था। तो और वो जो ऑटमैन आपको मैंने दिखाया है ये हमने JYS के से लिए हैं, सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट जगह से लेनी पड़ी थी, और कंप्यूटर टेबल जो थी ये भी आई थिंक हमने JYSK से लिया, बहुत ही प्यारी मिली है, जिस तरह के उनके रूम का कलर वो चाह रही थी उसी तरह का ग्रे और वाइट, वही उसी तरह का उनको मिला है। और जो बेड सेट है ये भी मैंने आई थिंक मैंने ये हडसन बे से लिया था, और ये मैंने अभी नहीं लिया, ये मैंने पहले काफ़ी टाइम पहले बाय किया हुआ था, लेकिन अभी ये बिल्कुल ब्रांड न्यू और अभी लगाया, जैसा कि आशा के लिए मैंने लिया था वाइट कलर का। तो आई होप आपको आशा का रूम पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप ज़रूर बताना है, और अगर कोई चीज़ आपको लगे किस कुछ क्वेश्चन पूछना हो, कोई चीज़ कहाँ से बाई की, कितने की परचेज़ की, तो पूछ सकते हैं, मैंने अपनी तरफ से आपको काफ़ी डिटेल से बता दिया। तो कल कॉस्को पे जब गए थे तो ये आयरन स्टैंड भी लेने वाला था, तो मेरा पहला आयरन स्टैंड जो था वो मैं अपने नियाग्रा वाले जो घर जब हमने छोड़ा था, तो हम वहाँ मैं गार्बेज कर रही थी, क्योंकि उसका जो ये फोम था ना अंदर से वो अब इतना अच्छा नहीं रहा था,
तो मैंने उसको गार्बेज कर दिया था। और यहाँ पे मुझे, मैं देख रही थी, जहाँ पे भी मैं जा रही थी तो मैं देख रही थी कि अच्छा सा कोई आयरन स्टैंड मिल जाए। तो वॉलमार्ट पे यही आयरन स्टैंड जो है ना $60 में था, और स्टैंड भी उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसकी जो मोटाई थी वो थोड़ी अच्छी थी, फार उसकी अच्छी थी। लेकिन यही मुझे ना कॉस्को से कल, जब हम लोग बस कारपेट देखने गए थे और एक आशा का रनर बाय करना था रूम के लिए, तो उस वक्त हमें यहाँ पर ये आयरन स्टैंड भी मुझे नज़र आ गया, तो मैंने ये ले लिया। और माशाल्लाह से ये इतनी अच्छी प्राइस में मिला, मुझे $40 में मिला है, तो मैंने तो ले लिया फ़ौरन ही। और इसकी क्वालिटी, आपको पता है कॉस्को की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो बस काफ़ी दिन से मैं चाह रही थी कि ये ले लूं, अब इंशाल्लाह आ गया है। और हबी के कपड़े प्रेस करने वाले थे क्योंकि विंटर भी आ गया, तो अब मैंने उनके जो है ना पैंट और जो शर्ट्स हैं वो मैंने, शर्ट जो है बाजू वाली निकाली है सारी, और जो पैंट है वो भी थोड़ी वार्म वाली निकाली है, अब मैं उनको प्रेस करके हैंग कर दूंगी। और मैं ये यही आदत है शुरू से कि मैं 1 वीक के कपड़े जो होते हैं ना वो प्रेस कर देती हूँ, चार पांच जो होती है ना पैंट और चार पांच शर्टें जो होती हैं मैं प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि मुझे 1 वीक या जितनी देर भी वो निकाल लें फिर मुझे परेशानी नहीं होती कि चलो जी अब ये एक एक आपकी काम आपका डन हो चुका था। डेली मैं नहीं करती, मुझे शुरू से ही आदत है, मैं डेली कपड़े प्रेस नहीं करती हूँ, मैं 1 वीक के करके रख देती हूँ। और ये आदत मुझे मेरी मॉम से पड़ी है, उनकी भी हमेशा से ये आदत थी कि वो अपने हबी के कपड़े प्रेस करके रखती थी, और मैं भी इसी तरह ही करती हूँ। Everything, but don't put the aloe and rest of the aloe. What about hot pepper? Yeah, it's good, but not aloe. Do I want to take it? This is good. This one, yeah, not aloe and rest of it. Everything in. बस आज मुझे डिनर नहीं बनाना था, सो इसीलिए मैंने आज आशा का रूम भी हम लोगों ने मिलके सेट कर लिया था, और मैंने आज अभी के कपड़े ही प्रेस कर दिए थे। डिनर का मुझे था, बच्चों ने पहले से कहा हुआ था कि आज हम, उन्होंने ना लजीज खाना है, तो मुझे तो इतना ये हैवी लगता है, तो मैं अपने लिए हमेशा, मैं और अभी जो है ना शॉर्मा रैप जो है ना वो ले लेते हैं, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा क्रीम डलती है ना, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे हैवी फील होता है, तो मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ, बाहर ले लेती हूँ। बच्चे भी कहते हैं मम्मा आप टेस्ट तो करें एटलीस्ट, लेकिन बच्चों को पसंद होते हैं, वो होते हैं फ्राइज और राइस और ऊपर ढेर सारा चिकन डला और सॉस डली, तो वो बच्चे लाइक करते हैं ऐसा की चीज़ें। खैर, तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 बॉक्सेस ऑर्डर किए थे, और मैंने और हबी ने जो है ना शॉर्मा रैप ले लिया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स डलती हैं, मैं तो सारी वेजिटेबल्स डलवाती हूँ, बस एक हैलोपिनो नहीं मैं डलवाती क्योंकि वो थोड़ी सी मुझे खट्टी लगती है, बाकी सारी वेजिटेबल्स मैं डलवा लेती हूँ, और वो बड़ा अच्छा फुली लोडेड शॉर्मा जो है ना आप इंजॉय करते हो। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए भी उनका फूड रेडी हो रहा है, तो बच्चों को ना ज़्यादा सॉस पसंद है, तो हबी जो है ना उन्होंने एक्स्ट्रा सॉस भी जो है ना डलवाई थी, और जो स्पाइस का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ता है कि आपने कितनी लाइन डलवानी है, ये देख लें, आप देख रहे हैं फुल्ली लोडेड है, और इसमें स्पाइस की जो है ना मैंने 5 लाइन डलवाई थी। ये राइस मिल कहाँ से? कितना बड़ा? अच्छा, सही है, ये अच्छा किया। ये राइस कुकर मुझे पसंद आया था, तो मैंने कहा अभी को कि आप पूछें इनसे कि ये कहाँ से लेके आए, तो उन्होंने बताया कि वो कॉस्को से लाए हैं, और ये बहुत अच्छे साइज का था।
बेटा बड़े बड़े अच्छे से बने हैं। पापा ने कहा था तो एक्स्ट्रा डलवा दिया। खाना हम लोग घर ले आए थे और इसको घर में ही बैठ के खाना ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये लजीज की जो शॉप है हमारे घर से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव पर है। और अभी वैसे भी इन्होंने सिटिंग नहीं खोली हुई है, यहाँ पर इतनी बड़ी ये लोकेशन नहीं थी कि यहाँ पर सिटिंग भी होती, तो हम लोग खाना घर ले आए थे और यहाँ पर हम फूड को करेंगे इंजॉय। और मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो यहाँ पर उसका मैं लिंक शेयर कर दिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइज़।